आज हम बनाने वाले हैं बच्चों का फेवरेट एप्पल जैम। ये एप्पल जैम हम बनाएंगे बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के और मार्केट से भी एकदम बढ़िया, टेस्टी और यमी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजना। होम किचन में आपका खूब खूब स्वागत है। इस एप्पल जैम को हम बनाएंगे एकदम इजी मेथड से, तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। एप्पल जैम बनाने के लिए हमने जो एप्पल लेने हैं वो एकदम बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, और ये मैंने 1 किलो एप्पल लिए हैं। इन एप्पल को 2-3 बार हम गुनगुने पानी से वॉश कर लेंगे, उसके बाद इन्हें पोंछ कर एकदम ड्राई कर लेंगे। इनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एप्पल को ड्राई करने के बाद एक एक करके इन्हें पील कर लेंगे। एक लेंगे प्रेशर कुकर, इस प्रेशर कुकर में एप्पल को कटिंग करके डालेंगे। एप्पल को हम छोटे बड़े कैसे भी पीसेस में कटिंग कर सकते हैं, और जो एप्पल के बीच का पार्ट है उस पार्ट को हम हटा देंगे। और इस प्रकार से सारे एप्पल की कटिंग करने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 किलो हमने एप्पल ली है तो हम इसमें चीनी लेंगे 500 ग्राम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी चीनी की क्वांटिटी एप्पल की मिठास पर भी निर्भर करती है। यदि एप्पल ज़्यादा मीठे हैं तो चीनी आप कम रखें, और यदि एप्पल कम मीठे हैं तो आप चीनी ज़्यादा रखें। इसी में मैंने डाल दी केसर के धागे, ये इसे देंगे एक कलर, क्योंकि हम इसमें किसी प्रकार के आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं करेंगे। केसर से हम इस जैम में कलर देंगे। चीनी और एप्पल को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने किसी भी प्रकार के पानी का यूज़ नहीं करना। इन सबको बहुत ही बढ़िया से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसे फ्लेम पर रखेंगे। 3 से 4 व्हिसल आने देंगे ताकि हमारी जो एप्पल है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। 3 व्हिसल आ चुकी है। एक बार प्रेशर कुकर को हम ओपन करके देखते हैं। और ये देखिए, एप्पल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और चीनी ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है। फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और जो प्रेशर कुकर वाली हमारी एप्पल है इस पैन में डाल देंगे। कंटिन्यू चलाते हुए इस एप्पल को हम पकाएंगे। बीच बीच में हम एप्पल को मैश भी करते जाएंगे। लो फ्लेम पर ही हमने इस एप्पल को पकाना है। इसे हमने इतना पकाना है कि इसमें जो चीनी का पानी है वो एकदम सूख जाए। पांच मिनट तक हम इसी तरह कंटिन्यू मैश करते हुए इसे पकाते जाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, जो जैम को देगा एक बढ़िया फ्लेवर। इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जब इसका थोड़ा सा मॉइस्चर सूखने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर 5 मिनट और पकाने के बाद जब हमें लगे कि इसका मॉइस्चर सूख चुका है तब हम इस जैम को एक बार चेक करेंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा जैम हम एक स्पून के ऊपर रखेंगे और इस स्पून को टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा करने से यदि जैम टपकता है तो समझो हमारा जैम रेडी नहीं है, और यदि जैम नहीं टपकता तो हमारा जैम रेडी है।
और हमारा जैम रेडी हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक और पकाने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जो हमने दालचीनी की स्टिक डाली थी उस स्टिक को हम निकाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर जैम में आ चुका है। ठंडा होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 लेमन जूस। लेमन जूस डालने से जो जैम है इसका टेस्ट आएगा खट्टा मीठा और इसके साथ साथ इसमें चीनी के क्रिस्टल नहीं बनेंगे, यानी जो हमने इसमें चीनी डाली है वो जमेगी नहीं। चीनी और लेमन जूस दोनों ही प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, इससे जैम हमारा ख़राब नहीं होगा। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर हम इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। एप्पल जैम को ठंडा करने के बाद ही स्टोर करें और इसे स्टोर करने के लिए किसी भी ग्लास कंटेनर का ही यूज़ करें। तो रेडी है हमारा मार्केट से भी बढ़िया टेस्टी यम्मी एप्पल जैम, वो भी बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।